फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सुबह के 10 बज चुका, सुबह निकला था। सुबह सुबह क्या हुआ था, बादल था। अभी थोड़ा सा जो मौसम है थोड़ा सा ठीक हुआ, धूप निकल आए, काफ़ी तेज़ धूप है। और धूप के बीच में पीछे जो मेरे आप देख पा रहे कंपोजिशन, उसे मैं ट्राई करूँगा। यहाँ का जो ये जो लोकेशन है, इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटअप किया है। काफ़ी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, एक लैंडस्केप, उसके साथ एक छोटा सा हाउस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्पॉट। और इस तरह से पेपर है, तो मैं ट्राई करूँगा। गर्मी काफ़ी हो गया अभी मौसम। आसपास के भी आपको जो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल है वो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी शांत, और यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ भी काफ़ी आप सुन पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से कानों तक पहुँच रहे हैं। और इस तरह से तालाब बहुत सारे हैं, रिफ्लेक्शंस को स्टडी करने के लिए अच्छा है हमें। खैर, आज जो है कुछ इस तरह से कंपोजिशन है, उसे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ और आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ज़मीन के ऊपर एक फ्रेम बनाया और उसी को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और ये ट्राई जो अब आप शुरुआत कर रहे हो, ज़रूर आपको एक बार थंबनेल बनाना चाहिए। थंबनेल से क्या होता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है किस तरह से आप उसे कंपोज करेंगे। केले का पेड़, इस घर के आसपास काफी बढ़िया तरह से सजा हुआ है। और इस तरह से अगर आपको सिंपल कंपोजिशन मिला तो बेस्ट है, क्योंकि जब भी आप ऑन द स्पॉट में काम करते हो, शुरू के टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत कुछ बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए आपको बहुत सिंपल सब्जेक्ट के साथ ही चलना चाहिए। यहाँ पे कुछ पाम ट्रीज वगैरह है, यहाँ पर भी पेड़ों का बहुत सारा सिलसिला देखने को मिल रहा है। जमीन के ऊपर बहुत सारे लेयरिंग देखने को मिल रहा है। तो दो चार पेड़ हम अपने तरफ से भी सजा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो पम्प ट्रीज काफी अच्छा लगा मुझे। एक होने से अच्छा ये दो है, और ये अच्छा है, अच्छी बात है कि दो है। यहाँ पे
अभी अभी कुछ फिगर्स की एक्टिविटी देखने को मिला और जिससे कि हम उसी समय तुरंत ये कैप्चर कर लेंगे क्या साइज होना चाहिए फिगर्स। यहाँ पे कुछ बेरा जल लगा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग करता है कंपोजिशन को, और एक पर्सपेक्टिव देता है। यहाँ पे जो पाम ट्रीज बच्चा पाम ट्रीज है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे और एक डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे जैसे कलश लेते लेते हुए कुछ फीमेल्स फिगर्स जैसे कि हम बनाते रहते अक्सर, वो ज़रूरी होता है और अच्छा होता है। थोड़ा सा जो विलेज का असर कराता है। तो हमने एक साइज मेंटेन किया, देखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर को डाल दिया, देन फिगर के शेडो आ जाएगा। जिस तरह से साड़ी का पहनावटी वो डाला, देन इस फिगर के साथ और एक पर्सपेक्टिव मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम एक दो फिगर और डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने कंपोजिशन को सजाया। तो यहाँ पे पहले थोड़ा कलर्स को तैयार करूँगा। जिस तरह से आसमान थोड़ा सा ब्लू और रेड के साथ है, तो रेड के साथ बोले तो हम अल्टरमरीन है, रेड के साथ बोले तो थोड़ा ऑरेंज कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज बंसियाना बंटम्बर चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा ऑरेंज, तो दोनों तरफ मैंने ये कलर्स को रखा है जिससे कि टाइम पर मैं इसको अप्लाई करूंगा। सॉफ्ट वॉश के लिए थोड़ा सा पेपर को गीला कर रहा हूँ, और इस तरह से फ्लैट ब्रश से क्या होगा, अच्छी तरह आपके पेपर गीला होते हैं। ये ब्रश है, सिल्वर ब्रश है, तो आर्टिगेट से आप इसे परचेस कर सकते हैं।
मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं और ये सब बातें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो मैं अच्छी तरह इसे गीला किया ताकि एक सॉफ्ट वॉश देना है, और अब ऐसे गर्मी है तो गर्मी के होने के कारण हार्ड होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलसिला क्या देखने को मिल रहा है, तो ऑरेंजेस है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का है, और कुछ ब्लू जो कलर है इस एरिया में डालेंगे। दोनों के बीच में थोड़ा सा हमें मर्ज करना पड़ेगा जिससे कि अलग अलग ना हो। अल्टामेरियन पेंस ग्रे, ऑरेंज, थोड़ा सा विरिडियम, थोड़ा सा लेवेंडर, कोबाल्ट ब्लू बीच बीच में, तो कुछ इस तरह से हमें डेप्थ मिलता है। यहाँ पर लाइट ग्रीन थोड़ा सा अप्लाई करूँगा, थोड़ा गीला है पेपर, थोड़ा सा योलो के साथ ये लाइट ग्रीन थोड़ा थोड़ा मुझे केले के पत्ते के लिए यूज होगा, थोड़ा सा मौसम बाहर काम करने की वजह से ड्राई हो गया तुरंत, ठीक है फिर भी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम कलर को लगाते हैं अभी, जिस तरह से मौसम यहाँ पे
और यहाँ पे थोड़ा सा रॉम वर्क से सैफ ग्रीन को लिया, टर्कोइज, तो यहाँ पे सॉफ्ट होने के लिए बहुत सारे वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा लाइट ग्रीन के लिए येलो और सैप ग्रीन का इस्तेमाल किया गया। कहीं कहीं पे बंटम्बर भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि उसके कलर्स की जो सेचुरेशन है उसे मेंटेन कर पाऊँ। फर्स्ट वाज में कलर आपस में मर्ज होना चाहिए। जब तक ये बाकी हिस्से ड्राई हो रहे हैं तब तक घर के ऊपर एक कलर अप्लाई करता हूँ। ऑरेंज से शुरू हुआ, रॉम्बर से नीचे तक जा रहा है। स्टार्टिंग में इस तरह से लाइट वॉश ही देना है। शेड में थोड़ा सा वायलेट के साथ अल्टरमेरिन, गिले गिले में और कलर वॉश को बढ़ा दिया।
के अच्छी तरह यहाँ पे मर्ज हो जाए। बंटम्बर अल्टामरीन मुझे जिस तरह से डार्क चाहिए वो कलर वैल्यूज मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो गीले गीले पे ही बेस्ट है। छत के ऊपर थोड़ा सा वायलेट कलर का असर दिख रहा है। थोड़ा लाइट भी फिर इसको संभालते हुए बैकग्राउंड के ऊपर जो हम काम करेंगे वो निकल जाएगा। उससे पहले हम इस पेड़ को करेंगे अभी थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ा सा हाँ कुछ इस तरह से जो तपती हुई सूरज की किरणें हैं वो दिखाने के लिए कलर कॉन्ट्रास्ट को उसी हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इसे अच्छी तरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम पीछे बैकग्राउंड को करेंगे जिससे कि कहाँ पे संभालना है वो हमें मालूम चल जाएगा। थोड़ा सा पतला ब्रश लिया सैप ग्रीन, ছেলে করছে অফিসে कुछ इस तरह से करना पड़ेगा पेंटिंग को या पत्ते को, कुछ संभालना पड़ेगा। कुछ कलर करना पड़ेगा। पत्ते का जो कैरेक्टर है जिस तरह से उसकी बनावटी है उस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले जो लाइट कलर छोड़ने के वजह से अभी वो पत्ते क्लियर दिख रहे हैं हमें। अल्टीमेट ब्रिलियन थोड़ा
थोड़ा एगेंस्ट लाइट है जिसकी वजह से थोड़ा सा डार्क होने को लग रहा है, और मेरा ये इंटरेस्टिंग एरिया है जिससे की वजह से मैं इसे अच्छी तरह मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे नीचे आ रहा है ब्राउनिश कलर शुरू हो जाता है, फिर वायलेट। पेड़ का मोटाई थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिगर्स को भी। जो भी डार्क डालना है हमें गीले गीले पे ही डालना पड़ेगा। अदरवाइज हार्ड दिखेगा नहीं तो। थोड़ा ग्रीन के साथ भी थोड़ा विरिडियन सैप ग्रीन, और थोड़ा जो डार्क जहाँ पे दिख रहा है क्योंकि इस कॉन्ट्रास्ट के बिना कंपोजिशन में कुछ भी चीज़, मतलब एक लाइट कलर, एक मिड टोन, एक डार्क, वो तीनों का होना ज़रूरी रहता है। और बिगनर एक गलती करते हैं, तुरंत सबसे पहले वो ये डार्क को अप्लाई करते हैं। तो बिगनर्स जो भी इसको देख रहे हो तो उसे ध्यान रखिएगा जरूर। थोड़ा वैरायटी आने के लिए थोड़ा सा ग्रेडियंट को भी इस्तेमाल किया। अंधाधुंध ना करें, थोड़ा सा कोशिश करें कि जितना हो सके आप उसे देख के करें। और शुरुआत के टाइम पे आपको इतना भी नहीं करना, एक पम ट्रीज को बना के पता करना है कि आपसे वो बन पा रहा है कि नहीं, फिर पूरा बनाना है। थोड़ा सा थोड़ा येलोज, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा अल्टरनेट वायलेट,
थोड़ा सा वाटर अच्छा खासा लेना पड़ेगा, जो भी आप शैडो का सिलसिला बनाना चाह रहे हो। और फिर उनके कलर्स क्या होना चाहिए, रोड के ऊपर जब आया रास्ते के जो कलर्स है उसके साथ अल्टरमरीन या वायलेट के साथ डार्क हो गया। फिर वापस ग्रीन के साथ, ग्रीन के ऊपर शैडो। तो रैंडम स्ट्रोक्स थोड़ा सा डालने से, क्योंकि ज़मीन का जो हालत है या रास्ते का जो हालत है तो एकदम सिंपल नहीं होता, वो ऊबर खबर हो सकता है। इसके अक्रम स्ट्रोक्स ऐसा आप थोड़ा सा वेरिएशन डाल सकते हैं। उसी तरह से फिर सामने भी कुछ जो पाम ट्रीज का जो डिजाइन हमने किया था अभी क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक बोल्ड स्ट्रोक्स के जरिए पहले कैप्चर करेंगे। तो देख रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा लेवेंडर अल्टरमरीन, थोड़ा सा रॉ अम्बर ले रहा हूँ।
वो जो बैकग्राउंड में जो जंगल का सिलसिला है कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। थोड़ा केले के पत्ते के लिए थोड़ा ग्रीन और थोड़ा शेडिंग करके छोड़ा। अभी यहाँ पे जो बेड़ा जाल बनाया था उसको अगर थोड़ा सा क्रॉपिंग करेंगे तो मज़ा आएगा शायद। ये बांध सा है तो ये बन्नी ऐसे चल रहा है। थोड़ा लाइट कलर से शुरू करके
थोड़ा सा रॉम्ब और अल्टा मेरिन। जमीन के ऊपर जैसे पगडंडी होते हैं और कंपोजिशन के सिदाई में, इसके सिदाई में हूँ तो उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव बनेगा। अगर आप कुछ जमीन में कुछ डायरेक्शन देना चाहते हैं ऐसा करके दे सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर हम देंगे तो वो कंपोजिशन काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरफ थोड़ा सा ग्रीनरी जो है डार्क हो जाएगा और ये फोरग्राउंड में होने के कारण और थोड़ा सा डार्क हम कर सकते हैं। बंट अम्बर अल्टीमेट ले लो चाहे वायलेट ले लो, यहाँ पे जो लाइट छोड़ा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सामने की ओर देखो, थोड़ा मोटा मोटा कर रहा हूँ जिससे पर्सपेक्टिव थोड़ा मेंटेन हो जाए।
हालांकि इस एरिया में नहीं है, उस गैप को पूरा करने के लिए भी ऐसा हम कर सकते हैं। अभी सवाल यहाँ पे आता है कि इस घर के या फिगर्स के ऊपर कलर क्या डालना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेगा क्योंकि बैलेंस भी होना चाहिए कंपोजिशन। परफेक्ट कलर्स वैल्यूज की ज़रूरत है फिगर में। नेचुरल लगने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रोक्स यूज कर रहा हूँ। अंत में कुछ व्हाइट कलर के साथ हाईलाइट और यहाँ पे जब व्हाइट लगाएंगे तो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं, हल्का सा येलो या येलो कर एकदम प्योर व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा इसके लाइट के लिए। ध्यान रखिएगा ऊपरी हिस्से में जो भी लाइट आप डालना चाह रहे हैं ऊपरी हिस्से में जरूर डालें। Thank you.
जिस तरह से लाइट्स निकल सकते हैं। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगा इन एरिया में, नहीं तो फिर वो हर जगह काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कंपोजिशन कंपोज हो सकता है। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ। टाटा बाय बाय। One.